उस टाइम धान की यहाँ फसल थी और उस टाइम काटी हुई नहीं थी। अभी देखें यहाँ धान की फसल भी कट गई है। वाह भाई वाह, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में यहाँ धान की फसल भी टोटल मशीन के साथ कटाई हो गई है। उधर भी देख सकते हैं उस साइड पर भी, और ये सामने नई बिल्डिंग बनी हुई है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये पानी इधर से देते हैं, पानी इधर है ही नहीं आज तो। वैसे ये जो धान को पानी देते हैं इस नाले में से, जो पानी का नाला है, यहाँ से पानी देते हैं, लेकिन धान तो ख़त्म हो गया। अभी ये धान दोबारा तकरीबन 10-15 दिन में ये दोबारा यहाँ धान दोबारा काश की जाएगी। यहाँ ऐसे ही धान होती है। और ये देखें इधर, ये जो कंपनी है, यहाँ शिपें बनती हैं समुंदर की, जो समुंदर में शिपें चलती हैं ना, पोर्ट वगैरह वो चलती हैं, वो इधर बनती हैं। देखें कितना काम हो रहा है इधर, और मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ। देखें माशाल्लाह, नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से आगे गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को यो शिपें बनती है वो भी दिखा दूँ। देखें, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको और दिखा। ये कच्चा रास्ता है और जब बारिश इधर हो जाए तो फिर इधर से मुश्किल हो जाता है आना जाना। वैसे ये शॉर्टकट होता है दूसरी बड़ी रोड से, मैं ज़्यादातर इधर शॉर्टकट जाता आता रहता हूँ, वो ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। ये टाइम ज़्यादा नहीं लगता, शॉर्ट होता है, इधर से नज़दीक चला जाता हूँ, मतलब आगे शहर वगैरह में जाना होता है। ये रास्ता बंद होता है। देखें भाई, पैदल चल रहे हैं। और देखिए ये थोड़ा सा कट आगे, साथ ही छोटे दो पुल हैं। क्या बात है भाई क्या, लेकिन बारिश जब होती है इधर से बहुत मुश्किल हो जाता है इधर आना। अभी ये फिर रोड आ गया है, अभी मैं आगे, ये जो सामने गांव है ना, इस गांव में चला जाऊंगा। यहाँ से फिर आगे शॉर्टकट मारता हुआ बड़ी रोड पे चला जाऊंगा। माशाल्लाह कितने प्यारे घर लग रहे हैं उस साइड पर। और यहाँ से एंट्री है मेरी इस गांव में, और ये गांव है, देखें इधर के गांव, मलेशिया के गांव ऐसे होते हैं, लेकिन ये गांव भाई शहरों से कम नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, बहुत खूबसूरत और सफाई माशाल्लाह। देखें फल वाले पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हैं, माल्टे के, आम के और नारियल के। देखें माशाल्लाह घर देखें कितना प्यारा घर है यार। इधर घर ये गांव बोलते हैं, मैं इनको गांव नहीं बोलता हूँ, मैं तो इनको भाई, देखें घर देखें इधर माशाल्लाह घर के, इतना खूबसूरत घर हो, सामने गाड़ी इस तरह की खूबसूरत खड़ी हो, क्या मज़ा आता है। मैं अभी अपने मोटरसाइकिल पर हूँ, देखें अपने मोटरसाइकिल पर हेलमेट यहाँ इस तरह के चलते हैं। माशाल्लाह घर देखें इधर, इतने प्यारे घर और गाड़ियाँ बाहर इनकी खड़ी हैं। छोटे घर होते हैं, बड़े घर नहीं होते, माशाल्लाह छोटे छोटे पौधे। इसी रोड पे मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। खूबसूरती देखें बस, ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी इधर की, वैसे सारे ग्रीनरी की है। अरे क्या बात है, गाड़ी देखें कितना खूबसूरत, घर के सामने ये व्यू बनता है, सब्जा देखें इधर का। आप देख रहे होंगे इसको रास्ता कैसे पता है, मैं आता रहता हूँ यहाँ, गुजरता रहता हूँ, संडे को मैं हमेशा इधर से ही गुजरता रहता हूँ। और व्यू देखें, घर घरों में लोग अभी सोए होंगे, आज धूप निकली थी सुबह के टाइम, तो बारिश थी, अभी धूप निकली हुई है। और देखें छोटे छोटे घर होते हैं यहाँ, इतने बड़े घर नहीं होते, जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं 2-3 मरले का घर, ऐसा ही होता है। अरे यार पीछे मत करना, देख के गाड़ी आंटी चला रही थी, मैंने कहा आंटी देख के पीछे मारना मत, ठोक नहीं देना। यहाँ गाड़ियाँ यार कितनी खूबसूरत, और यार यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, लोग एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ लोगों ने रखी होती हैं। ये देखें यार, अरे क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त व्यू, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करें यार, कमेंट्स। आम के दरख्त इधर, आम इसको आपको आम इधर पूरे 12 महीने मिलेगा, इधर हर टाइम आपको आम मिलेगा। देखिए आम के दरख्त, यहाँ सीज़न नहीं होता आम का, हर टाइम यहाँ आम आपको लगे, एक दरख्त के साथ नहीं दूसरे दरख्त के साथ लगे होंगे। अभी यहाँ पहुँच गया हूँ, अपना दोस्त है अपने एरिए का, अपने इलाके का, अपने गाँव का, तो अभी वो सोया होगा उसका रूम जैसा है, और वहाँ से एंटर हुआ हूँ मैं अभी, और यहाँ मोटरसाइकिल अपना खड़ा किया। आएगा इस साइड से, आगे से ताला लगा होता है इनका ज़्यादातर, इसे पीछे से आएगा इस साइड से हमेशा, ये इनका एक पीछे भी दरवाज़ा इस साइड पर, उस साइड से आता है। अभी सोया होगा, रात को ड्यूटी होती है इसकी, और रात को ड्यूटी इसकी तकरीबन 6 बजे शुरू होती है और सुबह के 6 बजे तक होती है इसकी ड्यूटी। सुबह सोया होगा, अभी इसको फ़ोन मारता हूँ, अगर वो जाग रहा होगा उठेगा,
और इधर केले थे, इस साइड पे केले लगे हुए थे, उसने काट दिए इधर से एक। ये उसने बोला था मैं रखूँगा तुम्हारे लिए, इधर केले थे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। बाकी सफाई पिछली बार आया था उस टाइम गंद था इधर, माशाल्लाह आज तो सफाई की हुई। अमरूद का दरख्त है इधर, अमरूद लगे हुए नहीं है, काफ़ी बड़ा दरख्त है ये भी, और आम तो आपको इधर मेरी वीडियो में देखते ही रहते हैं। अभी दोस्त को कॉल करता हूँ, देखता हूँ उठाए हुए कि नहीं, अगर उठाए तो यार उससे मुलाकात कर लेते हैं। नाराज़ होता रहता है वो भी, अपने इलाके का है, बोलता है यार मिलता नहीं है हमें। तो आज मैं फ्री था, मैंने कहा चलो अपने दोस्त से भी मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। अभी देखता हूँ अगर हो जाती है ठीक है, वरना फिर आगे चला जाना। फिर मैंने आज तो रिजवान भाई लोगों ने बुलाया हुआ है, 4 बजे का उन्होंने बोला है, लेकिन अभी 4 होने वाले हैं, उधर भी जाना है अभी। लेकिन मैंने कहा चलो अपने गांव के जो दोस्त है उससे पहले मिल के, अपने इलाके का जो दोस्त है इससे पहले गपशप लगा के फिर आगे जाना है। देखते हैं मुलाकात होती है कि नहीं, और आपको भी मिलाता हूँ अगर वो उठ जाता है तो। आप दोस्त देख रहे होंगे कि इस साइड पर थोड़ी सी सूजन है, इधर नहीं है इस साइड पर, क्योंकि वो दांत को दर्द था ना, सुबह गया डॉक्टर के पास, वो फिलिंग की है अभी, तो अभी सूजन थोड़ी कम हो गई है, और दर्द नहीं हो रहा था लेकिन स्वेलिंग मतलब वो सूजन वगैरह थी, ज़्यादा भी नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन अभी ठीक हो गया है, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा, वो फिलिंग हो गई है, डॉक्टर बोला टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 दिन में ये भी उतर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा लग रहा है, माजरत ये साइड आपको थोड़ी सी सूजन नज़र आ रही होगी लेकिन इतनी महसूस नहीं हो रही। अभी इधर खड़ा था, गाड़ियाँ इधर से गुजर रही हैं पास से, देखता हूँ अभी कॉल के उसका डेटा आप जा रहा है, आज मुलाकात नहीं होगी दोस्त से, चलते हैं, नाराज़ नहीं होगा, उसको ये बता दूंगा वो वीडियो में देखेगा मैं आया था, नाराज़ नहीं होगा। ये वाला मोटरसाइकिल जो है ना ये रिजवान भाई का है, और ये वाला तसव्वुर भाई का है, और अपनी रानी इधर खड़ी है, इधर खड़ी की है क्योंकि इधर से अभी कोई भी मोटरसाइकिल आएगा आगे उसने ले कर जाना होता है, रास्ता छोड़ना पड़ता है। चलो फिर भी थोड़ा सा साइड पे खड़ा किया हुआ है, और अपनी रानी इधर खड़ी कर दी है, देखें माशाल्लाह। लेकिन यार तसव्वुर भाई की, रिजवान भाई की मोटरसाइकिलें तो बिल्कुल 0 मीटर लग रही हैं, मेरी भी नई है लेकिन ये कुछ ज़्यादा खुश। अच्छा अभी मैं समझ गया, ठीक ठीक ठीक, अभी मैं बताता हूँ पता है क्या हुआ, इन्होंने ये जो बॉडी है ना ये चेंज किया है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये चेंज किया इन्होंने, और इधर से ये पुराना लग रहा है। अच्छा तो ये मतलब कंडीशन, इन्होंने बॉडी चेंज की है, और भाई रिजवान की तो भाई मोटरसाइकिल नई ही लग रही है, बॉडी भी इसके साथ की लग रही है। अच्छा मैं भी समझा कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लग रही हैं, पैसे लगाए हैं रिजवान भाई ने, तसव्वुर भाई ने नई बनाने के लिए, हमारी माशाल्लाह ऐसे ही अच्छी लग रही है। चलते हैं आज ऊपर, आज बट्टी भाई भी आया हुआ है, काफ़ी फ़ोन किया उन्होंने मुझे सुबह, यार आना लाजमी शाम को, अभी चलते हैं गप्पे लगाते हैं थोड़ी सी। संडे वाले दिन यार ऐसे ही दोस्तों के साथ टाइम गुजर जाता है, ऐसे दोस्त बहुत सारे हैं जो आज संडे काम भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आज छुट्टी पर थे। चलो मिलते हैं अभी, फिर मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर दिया उधर, गाड़ी पता नहीं किसके, माशाल्लाह बहुत ही खुशबू आ रही है, अंदर कुछ पक रहे हैं, चलते हैं अंदर देखते हैं। लॉक भी आई लगा हुआ है, और कौन है कार, खुशबू आई आ रही है, आज पता नहीं कौन सी पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, सुनाओ ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मिनट जी, एक मिनट सुन, मुझे लोग बेशक जो मर्जी बोलते रहे ना,
मैंने अब कैमरा नहीं छोड़ना भाई, आप मुझे गाली निकाले भाई जो मर्जी करें, मेरी ये एक आंख है, दूसरी मेरी ये एक आंख है, मांड के रखो हमें प्रोग्राम बढ़ जावे। मैंने ये डाल देना है भाई। अच्छा माशाल्लाह सुनाई जी, अभी बैग रखते हैं, रिजवान भाई सोए हुए हैं, ज्यादा शोर नहीं करेंगे। नहीं यार क्या पता गाली निकालने लग जाए। अच्छा रिजवान भाई सोए भाई, माजरत माजरत, मैंने अभी ऐद कर लिया भाई, जो जिस हालत में भी होगा ना मैंने दिखाना है भाई, ये मेरी एक आंख है और दूसरी ये मेरी आंख है भाई, नाराज नहीं होना भाई। इन्हें मांड के रखो तन क्या आज लेता, पर ग्राम भावे बढ़ जावे तो सा काम चाह के रखो। चावल क्या बात, लाला क्या बढ़ाए नो यार, ये चावल बनाए हैं लाला रिजवान, लाला तसव्वुर कैसे बनी है खाएंगे पता चलेगा, कोई आइडिया नहीं। क्यों लाला, लाला दही थोड़ा रखी, दही थोड़ा रखी, हाँ हाँ पानी दूध ज़्यादा लाला रखी, देखते हैं कैसी बनी है यार। माशाल्लाह बड़े साहब तो लो जी, कोई अपना गलबात अच्छा भाई को बट्टी बोलते हैं, बट्टी क्यों बोलते हैं आपको? बस माँ पे उन्हें गलती ना ना रहा फिर वड्डा हो गया। फिर उन्होंने ना पिया खिदर आजाद पट्टी, उदो बाद फिर मैं पैदा होया, फिर मेरा नाम रखा गया खच्चा ना मार समझ गए ना, वो एंड पीढ़ी दे नाल पीढ़ी चल पट्टी पट्टी हो रही है। हां जी पट्टी दे बाद पट्टी ठा पट्टी पट्टी ठा पट्टी ठा है बस आम करीब इंशाल्लाह एक नया पट्टी और भी आएगा जी। असली वीजा अप्लाई कर रहे हैं और पट्टी भी आएगा, पट्टी नेक ने इधर छोटा भाई एक आ गया, एक और आएगा स्नैल पट्टी आ गया। इससे कितने भाई का ऑर्डर पूछो ना जी, कितने भाई ज्यादा में बस अल्लाह का शुक्र है जो इथे गल करी दी असि मलाई च करी बाहर जाके करिए पंजाबी बंदा आई तू मिल सी कदी जिंदगी च नहीं ए अपने बहुत अच्छे दोस्त है जनाब अस्सलाम भट्टी साहब जी, अस्सलाम भट्टी हां जी, ये वजह सैंपल सन दोबारा नहीं मिला, ये सिंपल डाटा है ना बहुत काटा पास थोड़ा, ये अल्लाह पाक दी देना खास शहर है पाकिस्तान दे विच, अगर तू केड़ा शहर शहर तो नाम नहीं ले रहा, ग्राम पिंड ये भी नहीं ले रहा, चलो जेड़े देख रहे नो तलाश भी मैसेज कर, जेड़े पहुंच जांदे नो ओथे के सानू भी दे दो भाई, वीजे कित्थों दवीए, चलो ये ठीक चल तेरी शक्ल आ गई हुन लोग लगी बची तू लपयान पर नीचे नहीं तू। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और रात का टाइम काफ़ी हो चुका है और उम्मीद कर सकता हूं कि आज सारा दिन का जो व्लॉग था आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ घंटे के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मलेशिया के बहुत सारे अच्छे व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।